गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वाज जस्ट टीचिंग महारत्ना मिल रत्नाज स्टेटस। सो एक मन में ख्याल आया कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि वो जाने कि आखिर किस बेस पर इनको ये स्टेटस दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के वेबसाइट पर आपको मैं ले जाकर ये बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आप डिटेल्स खुद ही पढ़ लीजिए इसको, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या आखिर क्राइटेरिया है जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने जो कैटेगरी बनाई हुई है महारत्ना नवरत्ना और मिनी रत्ना के ग्लोबलाइजेशन 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। और ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं, ये नाम तो दिया गया शुरू में कि जो सिख इंटरप्राइज है उनको प्राइवेटाइजेशन कर लिया जाए, लेकिन ऐसा भी देखने को आया कि जो सिख नहीं थे और जो प्रॉफिट मेकिंग थे उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया अपने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए। ये एक सरकार के रूप में देखा जाए कि इनफिशेंसी शो करता है सरकारों की, जो इस तरह का बहुत, और बाद में बहुत सारे स्कैम्स भी हुए इनको लेकर। खैर वो एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, हम यहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो नवरत्ना का जो स्टेटस है ये हमारे सामने है कि किस बेस पर इनको नवरत्ना की उपाधि दी जाती है, इस कैटेगरी में कैसे आते हैं, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। और एन एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, एन एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो और इसके अलावा जो सेबी में इनका जो लिस्टिंग ये सब होता ही है। क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ नवरत्ना स्टेटस ऑफ सीपीएससी, द सीपीएससी विच आर मिनी रत्ना शेड्यूल ए एंड हैव ऑप्टेड एक्सलेंट और वेरी गुड एमओयू रेटिंग इन थ्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एंड हैविंग कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबव इन द फॉलोइंग 6 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो आपके सामने है, तो ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए कि ये सब क्राइटेरिया बनाया जाता है ऐसे, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे आपके यहाँ स्कूलों में ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी या ऐसे जो कैटेगरी दी जाती है, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की भी कैटेगरी है। और आजकल जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट की रेटिंग हो रही है स्वच्छता अभियान में, उसी तरह की कैटेगरी है इनके लिए। तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, द सीपीएसईज विच हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, प्री टैक्स प्रॉफिट इज ₹30 करोड़ और मोर इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 ईयर्स एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना 1 स्टेटस। अगेन मिनी रत्ना कैटेगरी 2nd स्टेटस, द सीपीएसईज विच हैव मेड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ आर एलिजिबल to be considered for grant of mini ratna second status. Mini ratna CPSE should have not defaulted in the repayment of loans, interest payment on any loans due to government. Mini ratna CPSE shall not depend upon budgetary support or the government guarantees. There is one Naratna CPSE with NLC India Limited and two Naratna CPSE with Chennai Petroleum Corporation Limited and कामराजार पोर्ट लिमिटेड, कामराजार पोर्ट लिमिटेड, ये कामराज के नाम पर बनाया था लिमिटेड, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन तमिलनाडु। प्रेजेंटली देर इज नो प्रपोजल विद द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज फॉर ग्रांट ऑफ महारत्ना नवरत्ना स्टेटस टू एनी सीपीएसई हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन तमिलनाडु। एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न सीपीएसई इज competent to decide to confer mini ratna status, keeping in view the laid down eligibility criteria. The list of existing 10 maharatna, 14 navratna and 73 mini ratna. Ab dekhiye 10 maharatna hai, 14 navratna hai aur 73 mini ratna. CPSEs is as under. Ab aapke samne hai, ab isko aap screen par dekhte jayenge ki kaun kaun se maharatna hai hamare। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सबसे टॉप पर है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन
ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे जो हैं आप नोटना, अब ये नोटना है, इनकी इनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आप इसको देख लें, पढ़ते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ, ठीक है। और इसके बाद मिनी रत्ना कैटेगरी आती है, तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, तो इतना हम संभव नहीं है कि मैं इतना पढ़ पाऊँ। मैं आपको जस्ट आई एम जस्ट ब्राउजिंग लाइक दिस एंड आप इसको जल्दी से पढ़ लें, इसको मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ आपके लिए। ब्राउज करना होता है मतलब हमको सर्च करना है इंफॉर्मेशन। मुझे इतना कैटेगरी सेकेंड, तो मिनी रत्ना में दो कैटेगरी बनाई हुई, तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने महारत्ना, मिनी रत्ना और के ऊपर नवरत्ना के ऊपर एक बनाने का प्रयास किया। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये आता है, इसलिए मैंने कहा, सोचा कि बच्चों के का एक नेचुरल इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर बनाना उचित समझा। और आई होप कि इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। रत्ना स्टेटस टू CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज, तो सेक्टर इंटरप्राइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का ये रत्ना का एक वीडियो था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से मैंने लिया है। थैंक यू।